हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज है 29वां दिन। जी हाँ, और कल हमने वजन किया था सुबह, तो कल इनका वजन आया 1500 कुछ ग्राम। जी हाँ, यानी कि 1.5 केजी से ऊपर हो चुका है ये बच्चा हमारा। और अभी फीड भी पड़ी हुई है काफ़ी फीडरों में, कम से कम 13-14-15 कट्टे पड़े होंगे फीड में, वो खाकर भी अभी काफ़ी वजन आएगा इनका। कल वजन किया था हमने तो कल 1.5 केजी से थोड़ा ऊपर आया, और मेरे ख्याल से 70-80 ग्राम अभी बढ़ गया होगा वजन, 60-70 ग्राम बढ़ गया होगा। तो अभी मतलब कि 1600 ग्राम लगा लीजिए आप, 1600 ग्राम तक पहुंच गया होगा। जी हाँ, और FCR हमारी है 1.37 की। जी हाँ, 1.37 की FCR हमारी, और कंपनी स्टैंडर मांग रही है 1.4 कुछ का मांग रही है स्टैंडर, लेकिन हमारी काफ़ी अच्छी मतलब कि FCR है। जी हाँ, और GC कंपनी ने चेंज कर दी है, प्रोडक्शन कॉस्ट कंपनी मांग रही है 76 रुपीज़ 19 पैसा। जी हाँ, 76 रुपये 19 पैसे में कंपनी चूचा तैयार कर रही है, मांग रही है, और हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट इस वक्त आ रही है 74 रुपीज़। जी हाँ, 74 रुपये आ रही है हमारी कॉस्ट अभी बच्चे की, तो अच्छा चल रहा है हमारा, और FCR है 1.37। जी हाँ, और वजन भी कल 1500 प्लस आया था, आज 1600 लगा लीजिए आप, ठीक है ना, 1600 ग्राम वजन होगा आपका आप। और अभी हमारी फीड 28 दिन की फीड है, अभी 28 दिन वाली फीड है, अभी फीड डलेगी, वो कल वाली फीड चल रही है हमारी अभी, और फीड डलेगी शाम को। जी हाँ, तब तक तो ये 16 प्लस हो जाएगा, तो वजन बहुत अच्छा आ रहा है अभी, ठीक है हमारा चिक्स, और तो ठीक है, बढ़िया है। FCR तो बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी FCR आ रही है हमारी, तो कंपनी स्टैंडर्ड मांग रही है 1.4 FCR, लेकिन हमारा बहुत अच्छी FCR है। और कंपनी वजन मांग रही है 1500 ग्राम मांग रही है वजन 28वें दिन में, लेकिन हमारा उससे थोड़ा ज़्यादा ही है, और FCR भी बढ़िया है। जी हाँ, बस ऐसा चलता रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। बस डर लगता है जब अब बच्चा बस उठने वाला है, क्योंकि कम से कम 8-9 दिन रह गए, और अभी हम 1 हफ्ते बाद हम उसको उठवाने शुरू कर देंगे, तो डर लगता है भाई, क्योंकि अभी काफ़ी नाजुक समय चल रहा है हमारा, तो बच्चा बड़ा हो रहा है जैसे जैसे, और मेडल्टी भी 2-3 ज़्यादा हो रही है, जैसे आज मेडल्टी 8 है, 8 मेडल्टी है, उसमें 3 बच्चे बड़े हैं बाकी छोटे हैं। जी हाँ, तो उस तरीके से फिर देखना पड़ेगा हमें। वैसे तो ओवरऑल एवरेज निकाली तो 1700 ग्राम प्लस होगी, लेकिन जैसे कि कई बार ये होता है ना, जैसे ये छोटे बर्ड हैं, ये वाले ये एवरेज तोड़ देते हैं। जी हाँ, इसलिए हमने सीधा सीधा 100 ग्राम कम कर दी, ठीक है ना, 100 ग्राम एवरेज कम कर दी। आप लगा लीजिए, इस वक्त हमारा बर्ड 1600 प्लस होगा। जी हाँ, और ये फीड खाकर और ज़्यादा बढ़ेगा अभी। जी, तो बच्चा पानी अच्छा पी रहा है, फीड अच्छी खा रहा है, और ग्रोथ भी अच्छी ले रहा है अभी। जी, तो ठीक है अभी हमारे, तो कल फीड आई थी हमारी, तो फीड में कुछ चेंज लग रहा है मुझे अभी, ठीक है, तो जैसी भी फीड है, क्या कह सकते हैं हम, लास्ट में रिजल्ट निकालेंगे, तो देखते हैं, अगर वजन अच्छे तरीके से आ जाएगा तो समझ लीजिए फीड अच्छी है, अगर वजन नहीं आया तो समझ लीजिए फीड में प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम कर दी, क्योंकि फीड खा रहे हैं, क्योंकि बीमारी इनको कोई नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है, पानी भी कम से कम 2600-2700 लीटर पी रहे हैं पानी डेली का, और फीड भी 22-23-24 कट्टे खा रहे हैं दिन के, इसका मतलब है कि बच्चे बिल्कुल हेल्थी हैं, स्वस्थ हैं। अगर इतना कुछ करने के बाद भी वजन नहीं दे रहे तो समझ लीजिए फीड में प्रॉब्लम है, चिक्स में नहीं, फीड में प्रॉब्लम है। जी हाँ, तो
इस बार अभी नाजुक समय चल रहा है हमारा बहुत ज़्यादा है, तो डर लग रहा है अभी, क्योंकि अब 7-8 दिन बाद हम चिक्स उठाएंगे, तो इसलिए थोड़ा बहुत ध्यान से मुझे अभी काम करना पड़ता है, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि बच्चे को अच्छे तरीके से कि कहीं की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्योंकि हमारा जो ईसी सेट था ना, वो लास्ट के वक्त हमारी इतनी मोडलिटी हुई मैं बता नहीं सकता, एक एक दिन में 140 मोडलिटी, बल्कि 32 दिन के बाद 140 मोडलिटी, और कई ऐसे मोडलिटी हो गई, 140 170 ऐसे ऐसे करके हमारी मोडलिटी हुई थी ईसी फार्म में, ईसी शेड जो था ना दूसरा शेड हमारा वहाँ पर। तो अभी डर लग रहा है, अभी 29 डेट का हो गया, तो बस ये सात आठ दिन मतलब 6-7 दिन निकल जाएं, जो बहुत मुश्किल है दिन, इसमें तो रात को नींद भी नहीं आती, बस कैलकुलेटर पकड़ के बस मैं FCR वगैरह देखते रहता हूँ, वज़न देखता हूँ कितना हो गया कितना नहीं हुआ, क्या कमी है, फीड में देखता हूँ फीड कितनी खा रहा है, पानी कितना पी रहा है, एक एक चीज़ मैं देखता हूँ, लीटर देखता हूँ, मतलब कि ये जो है रूढ़ी जो है लीटर देखता हूँ कि सूखा है गीला तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं आ रही इनको अभी, एक एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से नोट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि लास्ट वक्त रह गया हमारा, बहुत कम नाजुक समय चल रहा है हमारा, तो इसी से हमारी पूरी मेहनत पता चलेगी, रंग लाएगी पूरी मेहनत पता चलेगी कि क्या हमने फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। जी हाँ, तो अब हम डेली की FCR निकालेंगे, और डेली FCR मैं निकालता हूँ, लेकिन आपको तो 3-4 दिन बाद ही FCR बताऊँगा, क्योंकि लगातार FCR बताने का कोई फ़ायदा तो है नहीं हमें, ठीक है ना। तो जैसे जैसे बर्ड बड़ा होगा 3-4 दिन बाद मैं FCR बताता जाऊँगा, तो उस तरीके से आपको भी समझ आ जाएगी कि बच्चा ठीक चल रहा है, और इस तरीके से ही चलाएंगे हम सभी, अच्छे तरीके से। जो चीज़ें अच्छी हैं ना वो बंदे को सीख लेनी चाहिए, और जो बुरी लग रही हैं चीज़ें, मतलब कि जो मुझसे छूट रहा है, चाहे मुझ में कोई गलती नज़र आ रही है, चाहे मैंने कुछ गलत बताया, तो उस चीज़ को आप छोड़ सकते हो, उसको आप मत मानिए, क्योंकि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ ही बता रहा हूँ, पहले मैं खुद उसे प्रैक्टिकल करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। मुझे मतलब कि इस लाइन में कम से कम 8-9 साल हो चुके हैं पोल्ट्री में, और आपको जैसे पता है 6 साल तो मैंने कंपनी में काम किया हुआ है, 5 साल मैंने कंपनी में काम किया हुआ है, सुगना में भी मैंने काम किया हुआ है, और आईबी कंपनी में मैंने 1 साल लगाया हुआ है, सुगना में 5 साल लगाए हुए हैं। जी हाँ, तो मैंने अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से सीखा हूँ, वर्क किया हुआ है, अपने हाथों से भी काम किया हुआ है और काम करवाया भी हुआ है। जी हाँ, इस तरीके से जितनी मुझे नॉलेज है उतनी तो मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने जो भी नॉलेज ली है वो एक्सपीरियंस के हिसाब से ली है, मैंने ज़्यादातर तो देसी जुगाड़ के तरीके से ही बच्चे को पाला है, और देसी दवाइयों के तरीके से ही बच्चे को पाला है, और मेडिसिन बहुत ज़्यादा कम दी है मैंने, ना मात्र के बराबर मेडिसिन मैंने दी है, एंटीबायोटिक तो मैं बहुत कम देता हूँ, आने वाले टाइमों में शायद हो सकता है एंटीबायोटिक हम बिल्कुल बंद कर देंगे। जी हाँ, तो ये है, बच्चा हमारा बिल्कुल ओके है, और पर्दे हमारे खुल नहीं रहे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, और पर्दे जब मैं खोल, अभी तो 8:30 हुए हैं सुबह के, पर्दे मैं खोलूँगा सिर्फ बिल्कुल 4-4, 5-5, 6-6 इंच नीचे करके, जैसे वो पीछे खोल दूँगा, थोड़ा सेंटर से खोल दूँगा, थोड़ा आगे से खोल दूँगा, बस एक तरफ तो बिल्कुल बंद रहते हैं, क्योंकि ठंड बहुत है बाहर, धूप निकल नहीं रही, कम से कम जब से हमारा चिक्स आया तब से धूप निकल नहीं रही। जी हमारे चिक्स ने तो धूप सेकी तक नहीं इस बार, तो अभी बहुत नाजुक समय चल रहा है हमारे फार्म का, तो इसलिए बहुत ध्यान से हमें देखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। जी हाँ, तो ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। मोडलिटी जैसे कि मैंने आपको बताया है कि धीरे धीरे मतलब कि एक दो ज़्यादा हो रही है, धीरे धीरे ज़्यादा हो रही है, आज 8 मोडलिटी है, और 8वां मोडलिटी होगी आज, मैंने तो अभी तक 8 निकाली है, तो 8 मोडलिटी है, 4 बड़े हैं, तो 3 बड़े हैं, 4, 3, 5 छोटे हैं बच्चे हैं, तो जो बड़े बच्चे हैं वो कम से कम मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो 1800-1900 ग्राम के बच्चे होंगे वो जो बड़े मरे हैं। जी हाँ, तो दुख होता है जब मतलब कि इतना जब मरते हैं बच्चे तो दुख होता है, क्योंकि अपने हाथों से पाले हुए हैं और इतने बड़े बड़े बच्चे मर रहे हैं। अगर मोडलिटी हो ना 40-50
तो फिर जब से 20 हो जाएगी तो दर्द कम होता है, फिर सोचते हैं यार 40-50 हो रही है, अब कम हो रही है तो अब ठीक है, लेकिन अब मेरी मोटाली तो हो नहीं रही, ठीक है ना। तो इसलिए अब जब 8 भी हो रही है तो 8 भी मुझे ज़्यादा लग रही है अभी जी। तो इसलिए ये बात है, बाकी चलो जो होगा देखा जाएगा। वैसे तो फार्म अच्छा चल रहा है तो अच्छा ही चलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और बाकी लास्ट में जो रिजल्ट होगा मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊंगा डिटेल में, क्या आया, क्या निकला, क्या FCRI, क्या हमारा बना। जी हाँ, ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं हम कल अगली वीडियो में। धन्यवाद।